एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम करने वाले हैं एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इक्विबिलियम और साथ ही साथ वर्किंग विद एनएलएम। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम करेंगे इक्विबिलियम क्या होता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। इक्विबिलियम में क्या होता है, इक्विबिलियम का मतलब होता है बैलेंस। चलो इक्विबिलियम का मतलब होता है बैलेंस। ये लेक्चर नंबर 5 है, ये इससे पहले आ जाना चाहिए था, सबसे पहले आ जाना चाहिए था, पहले के बाद ही आना चाहिए था, पर नहीं आ पाया। क्या कर सकते हैं, अभी ले लेते हैं। इक्विबिलियम का मतलब क्या होता है, क्या है बैलेंस, यानी कि एक तरीके से बैलेंस रखना। आपने FBD पढ़ रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है, फ्रिक्शन पढ़ रखा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है, ये समझ लो आप। अभी हम बात करेंगे वर्किंग कैसे करने हैं न्यूटन के लॉ, ठीक है, वर्किंग कैसे करने हैं न्यूटन के लॉ। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वीडियो होगा ये, इससे देख लो बस, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बैलेंस करना, इक्विबिलियम मतलब बैलेंस, इक्विबिलियम का मतलब बैलेंस करना। अभी बैलेंस कैसे, ये मान लो ये एक ब्लॉक है, रेस्ट में है, मेन बात क्या, रेस्ट में है। अभी हम इसके वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, इसके वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, तो हमें क्या पता कि इधर लग रहा है एक फोर्स mg, इधर लग रहा है एक फोर्स, अच्छा ऐसे हवा में तो खड़ा नहीं हो जाएगा, वो हवा में तो खड़ा नहीं होगा, मतलब नीचे है एक सरफेस, सरफेस है मतलब लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब लगेगा नॉर्मल रिएक्शन अगर सरफेस है, अगर सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लिख के ले लो हमेशा याद, सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या है mg, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, एक mg फोर्स है और एक n फोर्स। तो अभी देखो n किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव, n पॉजिटिव होगा, mg नेगेटिव होगा, कह सकते हैं n माइनस mg इज इक्वल जीरो। इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता हमारा ये है कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल जीरो फॉर वाई एक्सिस, फॉर अलोंगिंग वाई एक्सिस। हो सकता है कि एक्स एक्सिस का इज इक्वल जीरो नहीं होगा, अगर फिर भी हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की भी, तो इसके अंदर हम कह भी सकते हैं कि सिग्मा फॉर एक्स एक्सिस इज इक्वल जीरो, मतलब कि नेट फोर्स जो वाई का होगा वो बराबर होगा जीरो में, नेट फोर्स जो एक्स का होगा वो बराबर होगा जीरो। मेन बात निकल के आ गई। अच्छा अभी देखो n माइनस mg इज इक्वल जीरो, तो n आ गया हमारा mg। इसी तरीके से छोटा सा ये इक्विबिलियम का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, बस याद क्या रखना है, अगर हम बात करें, अच्छा एक और छोटी सी बात बता दूं कि इक्विबिलियम में कब होगा वो, मतलब अगर वो मोशन नहीं कर रहा है किसी भी एक्सिस को अलोंग में, तो हम कह सकते हैं कि वो केस में है, किसमें है, इक्विबिलियम, मतलब कि वो बैलेंस्ड है, वो बैलेंस्ड है। बात अगर वो बंदा मोशन नहीं कर रहा है, कोई बंदा हो चाहे ब्लॉक हो, वो मोशन नहीं कर रहा है, मतलब क्या कि वो इक्विबिलियम, इक्विबिलियम। अच्छा अभी देखो यहाँ क्लियर है, n माइनस mg इक्वल जीरो, n बराबर mg। इधर देखो इसका FBD बना लो, एक छोटा सा ब्लॉक, इसका FBD बनाओ, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, ऊपर की तरफ n, और क्या लग सकता है सोचो, और कुछ दिख नहीं रहा लगने लायक, है ना, और कुछ दिख नहीं रहा, तो हम कह लेंगे कि इसका सिग्मा f by भी जीरो है, सिग्मा f x भी जीरो है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस है, दोनों एक्सिस के अलावा कैसा है ये दोनों एक्सिस के अलावा रेस्ट में, बात ये समझनी, दोनों एक्सिस के अलावा रेस्ट में, fx सिग्मा fx में जीरो इसलिए है क्योंकि उस दोनों तरफ से कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये इक्विबिलियम एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अभी बात करते हैं वर्किंग विद एनएलएम, न्यूटन के लॉस। तो भाई न्यूटन के लॉस की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ब्लॉक है, वो आगे की तरफ चल रहा है, चल किससे रहा है, कोई एक्सीलरेशन कर रहा है, मतलब ये समझ लो, है ना, उसका कुछ मास होगा, अभी इसका मास है 4, अभी एक्सेलरेशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे
चलो एक इधर मैंने सरफेस और रख दिया, सरफेस और रख दिया। अभी क्या कह सकते हैं हम, सिग्मा फॉर एफ वाई इज इक्वल जीरो। बट अच्छा अभी हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मतलब सिग्मा फॉर एफ एक्स इज इक्वल जीरो नहीं है, सिग्मा फॉर एफ एक्स इज इक्वल जीरो नहीं है। मोशन कर रहा है बंदा, मोशन कर रहा है। न्यूटन का पहला लॉ क्या था, अगर किसी भी रेस्ट वाली चीज पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, न्यूटन का पहला लॉ। तो ये आया हमारा, इसका फोर्स आया एम ए, फोर्स कितना आया, नेट फोर्स इसका एम ए, दैट इज 4 × 2 = 8। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स के अलोंग ये जीरो नहीं है। तो बस इतना ही आज किस वीडियो में, इधर हमारा वर्किंग ऑफ एनएलएम खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।